राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं वेदिक्स के विथान प्रो हेयर ग्रोथ सीरम के बारे में। तो आप सभी को पता है कि मैंने अभी कुछ दिन पहले वेदिक्स के प्रोडक्ट परचेस किए थे, तो उसमें से एक प्रोडक्ट था ये वेदिक्स का विथान प्रो हेयर ग्रोथ सीरम, जिसको मैं यूज करती हूँ। कैसे यूज करती हूँ वो मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगी। इसका रिजल्ट मेरे कैसे रहा वो भी मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगी, तो बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक। लेकिन अभी अगर आप चैनल पे मेरे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर आगे पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो में लास्ट तक रहिएगा ताकि पूरी जानकारी आपको इस प्रोडक्ट की मिल पाए। अब बात करते हैं पैकेजिंग की। तो पैकेजिंग इसकी कांच की एक बॉटल में है और इसमें एक ड्रॉपर दिया हुआ है। तो ड्रॉपर इसका काफ़ी अच्छा है, मतलब कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है इसको निकालने में। और इसका जो क्या लिखा हुआ है पैकेजिंग के ऊपर, तो सेम वही नाम इसका पहले लिखा हुआ है, फिर इधर इसके प्राइस वगैरह दिया हुआ है। प्राइस इसका लिखा हुआ है 599 रुपीज़, और मैन्युफैक्चरिंग डेट दी हुई है। उसके अलावा यहाँ पे इसकी पूरी इंग्रेडिएंट की डिटेल दी हुई है, फिर इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, कॉशन दिया हुआ है, नोट दिया हुआ है, फिर बाकी सेम चीज़ें रिपीट है इस साइड भी। तो अब बात करते हैं कि इसको कैसे मुझे यूज करना चाहिए, मतलब आप सबको इसको कैसे यूज करना चाहिए और मैं कैसे यूज करती हूँ। तो इसमें जो लिखा हुआ है वो ये है कि आपको इसका यूज एवरी अल्टरनेट डे फॉर द फर्स्ट 3 मंथ। आपको 3 महीने के लिए इसको यूज करना है और अल्टरनेट यूज करना है। जैसे आपने आज लगाया तो कल का गैप करना है, फिर परसों आपको इसको लगाना है। और उसके बाद इसमें लिखा है कि आप 3 महीने के बाद आप इसको ट्वाइस अ वीक, मतलब एक वीक में 2 बार आपको इसको यूज करना है। और उसके बाद फॉर 4 वीक्स, मतलब 4 हफ्तों के लिए, यानी कि 1 महीने के लिए आपको वीक में 2 बार इसको यूज करना है। और उसके बाद कंटिन्यू आपको हफ्ते में 1 बार इसको बालों में लगाना है। ऐसे आप आगे भी कैरी कर सकते हो इसको, ठीक है। मतलब स्टार्टिंग में अल्टरनेट डेज में लगाना है आपको 3 महीने तक, उसके बाद आपको 1 महीने के लिए इसको वीक में 2 बार लगाना है, और उसके बाद भी अगर आप इसको कंटिन्यू रखते हैं तो आपको वीक में 1 बार इसको लगाना है। उसके बाद इसमें दिया हुआ है कि कुछ लोगों को ये नुकसान भी कर सकता है, तो वो लोग इसका पैस टेस्ट ज़रूर कर लें। और इसको लगाना कैसे, डायरेक्शन फॉर यूज मैं बताती हूँ। टेक 3 to 5 ml ऑफ सीरम विथ द ड्रॉपर एंड अप्लाई ऑल ओवर द स्कैल्प ऑन ड्राई हेयर। तो सबसे पहले उन लोगों को मैं बता दूँ जो लोग सोचते हैं कि इनको बालों में लगाना है, बालों में नहीं लगाना है, आपको इसको स्कैल्प में लगाना है। लेकिन 3 से 5 ml तक ही आपको इसको लेना है, और उसके बाद स्कैल्प में आपको फिंगर टिप की हेल्प से मसाज करनी है। मसाज करने के बाद आप इसको बालों में रात भर के लिए छोड़ दीजिए, और उस ड्राई हेयर में लगाना है। सबसे पहले गीले बालों में मत लगाइएगा, और उसके बाद 5 से 10 मिनट के लिए जेंटली मसाज करनी है। फिर लिखा है लीव ओवरनाइट फॉर बेस्ट रिजल्ट, रात भर के लिए आपको इसे छोड़ देना है अच्छे रिजल्ट के लिए। तो मैं तो ये बता दूं आपको कि मुझे फर्स्ट, जब मैंने फर्स्ट टाइम इसको यूज किया था तो मुझे थोड़ा अजीब इससे लगा था, क्योंकि एकदम पानी जैसा था। तो मुझे लगा कि ये शायद बिल्कुल भी फर्क नहीं देता होगा, क्योंकि एकदम पानी जैसा लग रहा है। बट जब मैंने उसको कई बार हेयर फॉल की प्रॉब्लम में काफ़ी सुधार मिला, मेरे बाल बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहे थे और बहुत ही पतले हो गए थे, तो सर में लगता था कि जैसे बाल ही नहीं बचे हैं, बहुत पतले बाल हो गए थे। बट इसको लगाने के बाद से काफ़ी अच्छा, मतलब बालों की वॉल्यूम हो गई है और बालों का झड़ना भी बहुत कम हो गया है। इसको मैं क्या करती हूँ कि पहले मैं आपको लगा के दिखा देती हूँ कि इसको मैं लगाती कैसे हूँ। ड्रॉपर में थोड़ा सा ऑयल लेने के बाद, अब ये मुझे नहीं पता कितने ml है, बट मैं इसको ऐसे ही ले लेती हूँ, मैं नापती तो हल्की नहीं हूँ। और उसके बाद जैसे इस तरीके से बालों को बीच से खोल लिया, और जैसे यहाँ पे मैंने इतना लगा लिया, और उसके बाद इस तरीके से मैं मसाज कर लेती हूँ। फिर उसके बाद दूसरी जगह पे खोल लिया, और उसके बाद फिर यहाँ पे इस जगह पे लगा के इस जगह मसाज कर ली, फिर पीछे बालों में लगा लिया, मतलब ऐसे करके पार्टीशन करके बालों में फिर मैं इसको अप्लाई करती हूँ। और इस तरीके से अपने आप ही लगा लेती हूँ, जैसे कभी कभी कदार मम्मी से भी बोल देती हूँ, वो लगा देती हैं, तो इस तरीके से अपना गुजारा हो जाता है। लेकिन ये रिजल्ट इसने अच्छा दिया है मुझे। मैं बूस्टर ऑयल की तो बात नहीं करती हूँ, अभी आपने रिव्यू देखा होगा बूस्टर ऑयल वाला, मैं बूस्टर ऑयल की तो बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन इसने तो मुझे रिजल्ट अच्छा दिया। और बूस्टर ऑयल तो मैंने जस्ट
आप लोगों को बताने के लिए ही यूज किया, इसको रोक दिया था बीच में, कि जब मैंने बूस्टर ऑयल लगाना शुरू किया तो उसका क्या रिजल्ट मिला वो आप उस रिव्यू में देख सकते हैं। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगी वीडियो, आप वहाँ से देख सकते हैं। बट मैंने जब इसको लगाना शुरू किया तो मुझे रिजल्ट काफ़ी अच्छे मिलने शुरू हुए। ये नॉन स्पॉन्सर्ड वीडियो, आप ये मत सोचना कि मुझे इसका पैसा वगैरह मिला है इसका गुड रिव्यू देने का, बट ऐसा नहीं है। मुझे इसने वाकई में रिजल्ट दिया है और बालों का टूटना काफ़ी हद तक कम हो गया है। तो अगर आप भी अगर इसको परचेस करना चाहते हैं तो मेरी तरफ से तो प्रोडक्ट के लिए काफ़ी अच्छी रेटिंग है कि ये काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है और ये रिजल्ट भी अच्छे देता है। आपकी इस बारे में क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि आप में से भी बहुत लोगों ने यूज़ किया होगा, किसी को अच्छा लगा होगा, किसी को बहुत अच्छा लगा होगा, किसी को बुरा और किसी को बहुत बुरा इसका रिजल्ट मिला होगा। तो सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है और सबके अपने अपने पर्सनल रिजल्ट होते हैं कि किसी को कुछ रिजल्ट मिला, किसी को कुछ रिजल्ट मिला। मुझे अच्छा लगा इसका मतलब ये नहीं कि आपको भी अच्छा लगे और आप पे भी अच्छा सूट करे, और आपके लिए ख़राब है तो ज़रूरी नहीं मेरे लिए भी ख़राब हो, क्योंकि सबके ऊपर कुछ अलग अलग चीज़ें सूट करती हैं। आपको जो करता है सूट वो मुझे नहीं कर सकता। तो अपनी अपनी राय होती है, आप किसी एक के आधार पे किसी भी प्रोडक्ट को जज नहीं कर सकते कि मैं बोल दूँ कि नहीं अच्छा है तो आप प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे। आप पहले 10-12 लोगों को देखिए, चेक करिए, अगर सबसे रिजल्ट आपको नेगेटिव मिल रहा है तो ही आप समझिएगा कि प्रोडक्ट नेगेटिव है, वरना किसी किसी को सूट करती हैं कोई चीज़ें, किसी किसी को सूट नहीं करती हैं, या फिर उनको काफ़ी लंबे समय तक जब वो लगाएंगे तब उनको वो सूट करना शुरू करेगी, क्योंकि एकदम से हमारी बॉडी कोई भी नई चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर पाती है, ना ही मौसम, ना ही रहन सहन और ना ही ये सब चीज़ें। तो आपको थोड़ा टाइम देना चाहिए। अगर आप हफ्ते डेढ़ हफ्ते लगाने के बाद आपको रिजल्ट अच्छा नहीं मिल रहा है तो फिर आप इसको स्किप कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको कंटिन्यू रखिए। मुझे तो अच्छे रिजल्ट मिले, हो सकता है आपको भी अच्छे रिजल्ट मिले, तो एक बार आप ट्राई कर सकते हैं। क्वांटिटी की बात करें तो इसकी क्वांटिटी जो है वो 50 ml है, और कांच की बॉटल होने की वजह से थोड़ा इसको रखना रिस्की लगता है, बैग वगैरह में कैरी करना रिस्की होता है, क्योंकि हम कहीं जाते हैं तो उसको स्किप तो नहीं कर सकते, कहीं भी घूमने जा रहे हैं, कहीं रुकने जा रहे हैं, कहीं रिलेटिव के यहाँ, तो उसको ले जाने में थोड़ा डर लगता है। लेकिन अगर आप इसको पूरी किट पैकेजिंग के साथ ले जाएंगे तो कोई रिस्की नहीं है, आप आराम से किसी भी कैरी बैग में रख के ले जा सकते हो, अपने हैंड बैग में रख के ले जा सकते हो। और इसका जो ये मुझे बॉक्स, ये जोट बैग बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी है काफ़ी दिन से, बट ये कहीं से भी फटा वगैरह नहीं है, तो ये इसकी पैकेजिंग भी ऑलमोस्ट बहुत अच्छी है। तो आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और कमेंट में इसके बारे में आपकी जो भी राय है वो मुझे ज़रूर लिखना। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।